इन दिनों भारतीय राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल विधानमंडल के दोनों सदनों में लड़कियों की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते बोलते नीतीश कुमार के मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल गई जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री अपने इस बयान के कारण पूरे देश में ट्रोल किए जा रहे हैं, लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। दरअसल अब ये मामला भारत की सीमा लांघते हुए विदेश जा पहुंचा है। हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने नीतीश कुमार को फटकारते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से खास अपील की है। राज्य विधानसभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए नीतीश कुमार की खूब आलोचना की जा रही है। देशवासियों के साथ ही विदेशियों का गुस्सा भी नीतीश कुमार पर फूट रहा है। दरअसल हाल ही में अफ्रीकी अमेरिकन अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने एक साहसी महिला से आगे बढ़ने और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, मिलबेन ने भारतीय जनता पार्टी से बिहार में नेतृत्व करने के लिए एक महिला को सशक्त बनाने के लिए भी अनुरोध किया है। वही आपको बता दें कि मैरी मिलबेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीतीश कुमार जी के कमेंट्स के बाद मेरा मानना है कि ये एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार जाती और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ती। भाजपा को एक महिला को बिहार में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण और प्रतिक्रिया में विकास की सच्ची भावना होगी। या बिहार जैसा शाहरुख ने जवान में चेतावनी दी थी, वोट करें और बदलाव लाएं। वही आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा और महिलाओं की भूमिका समझाने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बोल रहे थे, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने गलत टिप्पणी कर दी। अपनी टिप्पणी पर हंगामा मचता देख नीतीश कुमार ने बुधवार को माफी भी मांगी और कहा कि वो अपने शब्द वापस ले रहे हैं।